सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जी भाई, हम लेकर आ गए आप लोगों के पास Z Fold 6। इसके हम करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है और क्या क्या इसमें नई टेक्नोलॉजी है। तो ये लाइट वेट है, लाइट वेट लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, और जैसे कि डिस्क्रिप्शन में भी था कि 239 ग्राम इसका वेट इसका होगा, जो कि S24 Ultra से सिर्फ 7 ग्राम ज़्यादा होगा। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, और सिल्वर शेडो कलर मैंने लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा सा यूनिक भी थोड़ा सा लग रहा है। इसके एजेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसको स्टार्ट इसको कर रहे हैं फ़ोन को, और फिर आपको थोड़ा सा Z Fold 6 और इसका जो पिछला जो कि फ़ोन था Z Fold 5, उसके बारे में आपको हम डिफरेंस भी यानी कि थोड़ा सा बताएंगे। तो ओवरऑल अच्छा फ़ोन यानी कि लग रहा है। इसके ये साथ इसके चीज़ें इसके आई हैं, डाटा केबल है और बाकी से थोड़ी बहुत चीज़ें डब्बे शब्बे हैं इसके, तो फ्लैट काफ़ी अच्छा है। और इसमें देखा गया चाहे तो Z Fold 5 के मुताबिक में एजेस काफ़ी अच्छे उन्होंने शार्प कर दिए, काफ़ी यूनिक काफ़ी लुक काफ़ी दे रहे हैं ये। तो साइज़ में भी थोड़ा सा यानी कि 6.3 तक लेकर गए हैं, एंड्रॉयड 14 को लेकर आए हैं यहाँ पे ये। और इसके अलावा इन्होंने अपना जो CPU सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करा है, और वाटर रेजिस्टेंट भी यानी कि ज़्यादा, और डस्ट प्रूफ भी यानी कि इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाया है। डायमेंशन थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चेंज थोड़ा सा करा है। स्क्रीन भी थोड़ी सी यानी कि वैसी स्क्रीन रेजोल्यूशन को हम देख सकते हैं कि अच्छा कर दिया है। और अगर हम इसकी प्राइस को अगर हम देखें तो ये आपको मिल सकता है 1899 से ये स्टार्ट है। जब जी तो ये आ गया है अब हमारे पास Z Fold 6, और देखते हैं कैसा रहता है फोल्ड और इसके फोल्ड की ड्यूरेबिलिटी कैसी है। देखते रहिए CSA TV।